नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ડી9 ન્યૂઝ। હું છું પીનલ। નજર કરીએ અત્યાર સુધીના સમાચારો પર। યુપી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સુરતના વેપારીઓ અનોખી રીતે ભાજપને જીતાડવા અભિયાન શરૂ કરશે। ઉત્તર પ્રદેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને ફરીથી બીજી વખત યુપીમાં જીતાવવા માટે સુરતના વેપારીઓ દ્વારા અનોખી સાડી બનાવીને ભાજપનો પ્રચાર કરવામાં આવશે। જો રામ કો લાયે હૈ હમ ઉનકો લાયેંગે ફિરશે। ઉત્તર પ્રદેશમાં भगवा रंग लहराएंगे ना स्लोगन साथे सूरतना वेपारी द्वारा साड़ी बनावामां आवी छे। अने आ साड़ीना पल्लूमां उत्तर प्रदेशना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अने वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीना फोटो साथे कमळनो फोटो पण लगावामां आव्यो छे अने भाजपनो प्रचार करवामां आवशे। टेक्सटाइल युवा ब्रिगेडना प्रमुख ललित शर्माए माहिती आपता जणाव्युं हतुं के जेवी रीते 70 વર્ષમાં પ્રથમ વખત અયોધ્યામાં ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે તેનો સંપૂર્ણ શ્રેય ભાજપની અને નરેન્દ્ર મોદીને જાય છે। એટલા માટે આ વખતે ફરીથી ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપની સરકાર બને તે માટે સુરતમાંથી 3D પ્રિન્ટ અને ડિજિટલ પ્રિન્ટ સાડી ઓર્ડર પર બનાવવામાં આવશે અને યુપી મોકલવામાં આવશે। પ્રથમ 1000 સાડી અને અન્ય સમાજની મહિલાઓને મફતમાં સાડી આપવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ऑर्डर प्रमाणे सूरत थी साड़ी मोकलावामां आवशे तेम जणावायुं हतुं। मैं एक युवा व्यापारी हूँ। मैं यहाँ पे कर्म भूमि का काम करता हूँ। सूरत एक बहुत ही बड़ी मंडी है। सूरत के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी साड़ियाँ भिजवा के एक प्रचार संबंधित काम भी करवाना चाहता हूँ। हमने एक मुहिम शुरू करी है जिसमें हम संकल्प लेते हैं कि हम राम को लाएंगे और भगवा लहराएंगे। हमने यह साड़ी बनाई है जिसके साथ एक कैटलॉग भी बनाई है और एक डिजिटल साड़ी बनाई है जिसमें मोदी जी और योगी जी की फोटो भी है। हमें इस साड़ियों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम ये साड़ी को लॉन्च करते ही हमारे करीब 70 से 80 हज़ार साड़ियों का ऑर्डर भी आ चुका है। ये साड़ी क्यों बनाई? बेसिकली उत्तर प्रदेश के चुनाव को ही क्यों ध्यान में रखा? उत्तर प्रदेश के चुनाव को इसलिए ध्यान में रखा गया है कि जो भी फैसले मोदी जी ने लिए हैं राम मंदिर को लेकर वो बहुत ही निर्णायक जनक रहे हैं और हमारे सूरत के व्यापारियों का भी उन्होंने काफी भला सोचा है। GST के अभी जो रिवाइज बिल कर रहे थे उस संबंध में भी हमारे बहुत प्रेरणादायक रहे हैं। लोगों का ज्यादा है, व्यापारी वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, चाहे कितनी भी हमारी रुकावट आती है व्यापार में, लेकिन हमने ये देखा है कि हमारी सुनी जाती है और हम चाहते हैं कि यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार बने। क्यों बने? क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य उनके सरकार में चालू हुआ है और हम चाहते हैं उद्घाटन भी उनके सरकार में हो। इसको मद्देनजर रखते हुए साड़ी बनाई गई है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवान लहराएंगे। इसके अलावा कैटलॉग जितनी भी साड़ियाँ जाएगी, मतलब कोई भी डिजाइन की साड़ी जाएगी, हमारे जो व्यापारी है उस कैटलॉग के ऊपर योगी जी और मोदी जी का फोटो लगा करके स्लोगन लिखेंगे। ये कंपलसरी हमने बोल दिया है सबको कि हमारी जो भी पैकिंग होगी उसके अंदर ये कंपलसरी है। इसके अलावा बॉक्स जो रहेगा साड़ी का उसके ऊपर भी राम मंदिर की फोटो के साथ में स्लोगन लिखा रहेगा। कितना ऑर्डर आ रहा है, कितने आपको फायदा? व्यापारियों को इसमें देखिए, जब भी चुनाव आता है तो सूरत के साथ में ये जुड़ा हुआ है कि झंडे बैनर जो भी कपड़े का सामान है, साड़ियां है, ड्रेस मटेरियल है, पार्टियां हमसे मंगवाती है। अभी ये यूपी का चुनाव जस्ट घोषणा हुई है, इसके साथ में ही ये ऑर्डर आना चालू हो गया है। अभी 3-4 मंडी से हमको ऑर्डर आ चुका है, कल से वायरल हुआ है, तो हो सकता है ये ऑर्डर लाखों की संख्या में हमारे पास में आएगा। व्यापार बढ़ेगा इससे और जो इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको डोनेशन किया जाएगा। ये हमने जो छाप रहे हैं उनके साथ में और जो छपवा रहे हैं उनके साथ में हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जितने भी ये ऑर्डर जाएंगे उसमें जो प्रॉफिट रहेगा वो डोनेट किया जाएगा सेवा फाउंडेशन, सेवा हॉस्पिटल को। अक्षय वाढेर, D9 न्यूज़, सूरत।